तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज अपन बात करेंगे 2024 में क्या आफ्टर मार्केट सीएनजी सक्सेसफुल है या नहीं है। तो ये मेरे पास वैगनार है 2016 मॉडल, अपनी खुद की गाड़ी है ये। इसमें मैंने एक साल पहले ही इसमें सीएनजी लगवाई है। एक साल के बाद मैं आपका उसका फुल रिव्यू देता हूँ, क्या सक्सेसफुल है या नहीं है, वैल्यू ऑफ मनी है या नहीं है। उसके बाद अपन इसके किलोमीटर की बात करेंगे, कितने किलोमीटर मैंने इसको चला दी सीएनजी के बाद। सबसे पहले अपन इसके इंजन स्पेक्स की बात करते हैं। इंजन की बात करते हैं तो कुछ 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन आता है जो प्रोड्यूस करता है 88 bhp और 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क। गाड़ी के बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन आज अपन बात करेंगे क्या सीएनजी लगवाना वैल्यू ऑफ मनी है या नहीं है। अपन अब बात करते हैं इसके सीएनजी के सिलेंडर की। यह है 10 kg का सिलेंडर है। इसका पूरा वायरिंग, जो भी इसका पाइप वगैरह है, पूरा अंदर से जाता है। अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कहाँ से इसमें सीएनजी फिलअप होती है। इसका ड्रॉबैक बता देता हूँ, एक तो आपका स्पेस कवर कर लेगा ये, तो आप ज़्यादा सामान रख सकते हैं बूट के अंदर। लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका फ़ायदा भी है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें 10 kg का सिलेंडर आता है जो कि पूरा फिलअप होता है 1000 से लेकर 1100 तक। वो डिपेंड करता है कि आपने कितने प्रेशर पे उसमें एयर सीएनजी फिलअप कराई है। इस सीएनजी की टैंक की रेंज बताता हूँ आपको मैं। जैसे इसको आप हाईवे पे चलाओगे ना, तो 30 से 35 के बीच में वैरी करेगी आपके चलाने की स्पीड पे, कितने किस स्पीड पे चला रहे हो आप। इसको आप एसी ऑन करके चलाओगे ना तो भी इतना ही एवरेज देगी, एक आध किलोमीटर का फर्क आ सकता है, बाकी एवरेज 30 के आसपास का ही देगी। सिटी के अंदर बात करें तो सिटी के अंदर की 27 से लेकर 28-29 तक एवरेज दे देती है एसी ऑन में। ये इसका सीएनजी का इनलेट है, यहाँ से आप प्रेशर डाल सकते हो सीएनजी का, और सीधा पाइप देखो ये अंदर से जा रहा है, कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ये जा रहा है इधर, ये देख, सीधे अंदर से जा रहा है, कोई बाहर से वायरिंग वगैरह कुछ नहीं है ना पाइप है। मैंने आपको पेट्रोल का तो स्पेक्स बता दिया था, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ सीएनजी के अंदर क्या इसका इंजन स्पेक्स रहता है। तो सीएनजी के अंदर ही 55 bhp प्रोड्यूस करती है और 88 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो मैंने बताया था ना आपका इसका ड्रॉबैक है। तो ये ड्रॉबैक है इसका, इंजन कैपेसिटी कम हो जाती है, लेकिन ये चलेगी कम से कम 300 किलोमीटर। एक फुल टैंक सीएनजी के अंदर ये 300 किलोमीटर चलती है, मतलब 1100 रुपये के अंदर आपको ये 300 किलोमीटर की रनिंग देगी आराम से। हाईवे पे ले जाओ, सिटी में चलाओगे तो 250-260-270 के आसपास दे देगी, फिर भी बहुत सही होता है। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेने जाओगे ना इस टाइम पे आज 24 में, तो आप देख लेना कितनी महंगी है। अगर आप अपनी पेट्रोल गाड़ी को सीएनजी में कराओगे आज 24 में, तो इसके टैंक का बता देता हूँ आपको मैं। इसका टैंक की प्राइस है 40 से 45 के बीच में वैरी करता है, क्योंकि इसमें कैपेसिटी आती है अलग अलग। कोई 10 kg का भी आता है, जैसे 10 kg का है, 11 का भी आता है, 12, 13, 9, 7, ऐसे अलग अलग केजेस आते हैं। आपकी गाड़ी के इंजन के हिसाब से आप लगवा सकते हो, लेकिन इसका बता देता हूँ आपको वो इसमें पड़ाता है 40,000 के आसपास का। अपन बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। तो प्रोज के अंदर मैंने बता दिया, इसकी रेंज बढ़ जाएगी, इंजन कैपेसिटी कम हो रही है, लेकिन आपकी जो रनिंग है ना सीएनजी पे वो बढ़ जाएगी। पेट्रोल की अलग बात कर रहा हूँ मैं, सीएनजी की अलग बात कर रहा हूँ, मैं सीएनजी की बात कर रहा हूँ। सीएनजी में फुल टैंक बता दिया कितने किलोमीटर चलेगी। अब पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल में ये चलती थी, एवरेज बताता हूँ उसका मैं, 13-14 का एवरेज था, 15 का हाईवे मान लो। तो मतलब मेरी इनोवा को चला लो, इसको चला लो, एक टाइम ऐसा हो गया था कि दोनों बराबर से एवरेज दे रही थी। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि इसमें सीएनजी लगवाते हैं, क्योंकि सिटी में ज़्यादातर इसकी रनिंग रहती है। इसका पर्पज़ खाली सिटी का है, हाईवे वगैरह में मैं रिकमेंड नहीं करता। आपकी गाड़ी है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसको हाईवे पे कभी नहीं ले जाता। सिटी में जहाँ मेरे को लगता है ना भाई आना है जाना है कहीं, वहीं काम में लेता हूँ। इसका मैंने बता दिया। कॉन्स की बात करते हैं तो इसकी, एक तो बूट स्पेस कम हो जाएगा, बूट स्पेस कम हो जाएगा तो आप सामान वगैरह ज़्यादा नहीं रख सकते। जैसे इसका स्पेयर व्हील था, थोड़ा बहुत सामान और रख सकते हो। अब आपने सीएनजी तो लगवा ली, लेकिन इसके पिकअप पे क्या फ़र्क पड़ता है उसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। देखो, इसकी इंजन कैपेसिटी तो कम हो रही है, लेकिन आपको ज़्यादा 19-20 का फ़र्क ही मिलेगा। अगर आप बिल्कुल नोटिस करोगे तो ही आपको 19-20 का पता चलेगा। अगर आप पेट्रोल गाड़ी चला रहे हो, आप कंटिन्यू पेट्रोल गाड़ी चला रहे हो फिर सीएनजी पे शिफ्ट करोगे ना, तो कुछ टाइम आपको पता चलेगा, लेकिन माइनर डिफरेंस आएगा। अगर आप रूटीन में चलाओगे ना सीएनजी पे, तो आपको ज़्यादा पता नहीं लगेगा, फिर आप यूज्ड हो जाओगे। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ पेट्रोल और सीएनजी पे कैसे इसको स्विच करते हैं और कैसे ऑपरेट होता है। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें एक ये मीटर लगा हुआ है, अभी गाड़ी ऑफ है, आपको गाड़ी ऑन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं मैं, ये सीएनजी पे स्टार्ट होती है, पेट्रोल पे कभी भी स्टार्ट नहीं होएगी। अब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, सबसे पहले पेट्रोल पे स्टार्ट होएगी, सीएनजी पे कभी भी स्टार्ट नहीं होएगी। कुछ टाइम बाद जब इसका इंजन रनिंग में आ जाएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ही सीएनजी पे चल जाएगी। आपने पहले देखा होगा लाइट ब्लिंक कर रही थी पेट्रोल की, यहाँ पे अभी
अभी ब्लिंक करना बंद कर दिया, ब्लिंक करना बंद कर दिया मतलब ये सीएनजी पे आ गई, फुल्ली सीएनजी पे चल रही है। अगर मान लो आपको सीएनजी भी नहीं चलानी तो इस पर क्लिक करो, ये पेट्रोल पे आ गई। अब गाड़ी मेरी पेट्रोल पे है, वापस आपको सीएनजी भी करना है तो इस पर क्लिक कर दो, ये सीएनजी पे आ गई। 1, 2, 3, 4 फोर पॉइंट आपको दिखाता है कि आपके कितनी अभी सीएनजी है इसके सिलेंडर के अंदर। इसके किलोमीटर की बात करते हैं तो मैंने इसको पेट्रोल पे 6 साल के अंदर 60,000 किलोमीटर चला दिया। अब आपको बताता हूँ सीएनजी के अंदर मैंने चला दिया इसको 48,000 किलोमीटर। आजकल तो नई गाड़ियों के अंदर भी सीएनजी फिटेड आ रही है, जो मारुति की गाड़ियों में भी आ रही है, टाटा की गाड़ी में भी आ रही है, सब रिसेंटली लॉन्च हुई है टाटा की नेक्सॉन, पंच, ये सब सीएनजी में आ रही है। और दूसरी बात, सीएनजी के पेट्रोल पंप्स हर जगह ओपन हो गए हैं आजकल। मैं राजस्थान की बात करता हूँ तो राजस्थान में हर जगह सीएनजी के पंप ओपन हो गए हैं, तो ये भी नहीं आपको भाई दिक्कत आएगी इस पेट्रोल पंप पे सीएनजी नहीं है या फिर नहीं है, हर जगह मिलेगा आपको आजकल, हर जगह मिलेगा आपको। अब मैंने आपसे सीएनजी की बात तो कर ली, अब आपको मैं चला के दिखाता हूँ कि पेट्रोल पे और सीएनजी में क्या डिफरेंस आता है, क्या पिकअप में कितना डिफरेंस आता है। तो चलो गाड़ी स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने आज आपको दिखाया था कि पेट्रोल पे स्टार्ट होगी, ये देखो ये ब्लिंक कर रही है अभी पेट्रोल की, ये पेट्रोल पे स्टार्ट हुई है। मैंने इसका एसी भी ऑन कर दिया, अभी देख लो ये आ गई सीएनजी पे, अपन चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले को नया यूजर आएगा तो वो तो पेट्रोल पे गाड़ी चला रहा होगा, तो सबसे पहले हम इसको पेट्रोल पे पिकअप देखते हैं। ये क्लिक करते हैं, देखो पेट्रोल पे आ गई, ये पेट्रोल का साइन आ गया। सबसे पहले कोई नया यूजर है, कोई भी गाड़ी चला रहा है, अगर उसने सीएनजी नहीं लगा रखी तो पेट्रोल से ही शिफ्ट करेगा। सबसे अपन पेट्रोल पे चलाते हैं इसको। अब मैं इसको थोड़ी दूर पेट्रोल पे चलाऊंगा, फिर शिफ्ट करके दिखाता हूँ आपको क्या फर्क पड़ रहा है पिकअप में। अब पहले मैं इसको पेट्रोल में खींचूंगा, अब मैं करता हूँ स्टार्ट, देखो खींचना इसको। पेट्रोल में बहुत बढ़िया पिकअप है इसका, क्योंकि गाड़ी छोटी है ना तो फटाफट पिकअप लेती है, ज्यादा कुछ ताम झाम है नहीं, बहुत हल्की गाड़ी है। आप स्पीड देख सकते हो, फटाफट पिकअप ले लिया इसने। अब एक बार मैं इसको साइड में लगाता हूँ और इसको मैं सीधे डायरेक्ट सीएनजी पे शिफ्ट करता हूँ। एक ही क्लिक में ये सीएनजी पे शिफ्ट हो जाएगी, एक क्लिक करा, अभी देखो ये यहाँ पे लाइट आने लग गई, मतलब सीएनजी पे शिफ्ट हो गई है। अब आपको डायरेक्ट सीएनजी पे खींच के दिखाता हूँ। देखो ज़्यादा फर्क नहीं है, मैंने इसको बहुत चला रखी है, ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब थोड़ा सा ऐसे लगेगी भी दब के चल रही है, जो पेट्रोल का जो इंजन का स्मूथनेस है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन आप इसको 10, 15, 20 किलोमीटर चला लोगे ना तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा, बिल्कुल आप इसके यूज्ड हो जाओगे। एक बार जैसे गियर शिफ्ट करोगे ना आप, तो गियर थोड़ा पकड़ने में थोड़ी सी लैग करेगी, तो पेट्रोल गाड़ी में अपन फटाफट गियर पकड़ के जो गाड़ी पिकअप लेती है ना वो थोड़ा सा लैग करेगी, बाकी अगर एक बार फिर आप रेस ले लोगे ढंग से पूरी उसके बाद फिर खींच जाएगी गाड़ी। पहली बार में पता चलेगा आपको, लेकिन 10-15-20 किलोमीटर के बाद आप बिल्कुल यूज्ड हो जाओगे, आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा। दूसरी बात, कोई सीएनजी लगवा रहा है तो उसको वो खींचेगा क्यों गाड़ी को, वो अपने सिटी पर्पज़ के लिए या फिर मान लो कहीं इधर उधर छोटे मोटे जाने के लिए हाईवे भी मान लो ले जाएगा, तो उसको इतनी नीड नहीं है, वो इतनी खींचनी होगी तो वो क्यों फिर सीएनजी पे चलाएगा, फिर उसको पेट्रोल पे डाल लो। आपको खींचनी है ढंग से, आपको पिकअप चाहिए तो आप उसको पेट्रोल पे भी लगा सकते हो, एक स्विच पे बटन दबाना है पेट्रोल पे आ जाएगी, लेकिन आपको एफिशिएंसी चाहिए, एवरेज बढ़िया चाहिए तो सीएनजी पे चलाओ। बाकी मैंने इस गाड़ी का तो आपको एग्जांपल दिया है, आप अपनी कोई सी भी पेट्रोल गाड़ी पे सीएनजी लगवा सकते हो, मैंने इस पे लगवाई थी इसलिए मैंने आपको इसका आपको एग्जांपल दिया है। आपके पास कोई भी दूसरी पेट्रोल गाड़ी है तो आराम से आप सीएनजी लगवाओ सिटी पर्पज़ के लिए, हाईवे पे भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आपकी गाड़ी पर डिपेंड करता है आप ले जाना चाहते हो नहीं ले जाना चाहते। मैं तो इसको नहीं ले जाता क्योंकि थोड़ी अनस्टेबल गाड़ी है ये, इसलिए सिटी पर्पज़ के लिए बेस्ट है, हाईवे के लिए अपनी दूसरी गाड़ी ले जाओ और आराम आराम से हाईवे पे 90, 100, 70, 80 आप जाना चाहते हो तो उसको भी ले जा सकते हो, ऐसे कोई वो नहीं है कि भी नहीं ले जा सकते,
मैं तो अपना एक और प्रीव्यू दे रहा हूँ, तो आपको लाइव दिखाता हूँ मैं। यहाँ तो सीएनजी फिलअप होती है, अब पूरी फिलअप हो जाएगी बताऊँगा कितने रुपए की होती है। इसका प्रेशर देखो, ये आ रहा है 190 के आसपास। प्रेशर पे बढ़ती है, ये प्रेशर पे वेरी करती है कि कितनी सीएनजी आएगी आपकी गाड़ी में। 750 रुपये की तो आ गई 8 kg के आसपास। अभी इसमें है 920 रुपये के आसपास 10 kg, थोड़ा बहुत था इसमें पहले। कंपनी भरा था इसके अंदर, इसमें कंपनी फिटेड है, स्विफ्ट है ये, अपन ने इसमें बाहर से लगवाई है। इसके कंक्लूजन की बात करें तो अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है, आज की डेट में आप आंख बंद करके लगा सकते हो सीएनजी आफ्टर मार्केट, कोई भी दिक्कत नहीं आती। एक बार आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा 45-50,000 रुपीज़ का, उसके बाद आराम से चलाओ उसको। एक बार सीएनजी फिलअप करा लो, आपके एक हफ्ते की 7-8 दिन की आराम से गई, आपको देखने की जरूरत नहीं है। सीएनजी फिर एक हफ्ते बाद डलाओ, फिर आराम से 7 दिन की गई, आँख बंद करके डलाओ, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि आपके इंजन की कैपेसिटी कम हो जाएगी, मतलब थोड़ी पिकअप वगैरह हल्का फुल्का आपको लगेगा, कम हो जाएगा, 19-20 का फर्क लगेगा, लेकिन वो यूज्ड हो जाओगे आप। दूसरी बात है इसका बूट स्पेस, तो दो चीज़ों में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हाईवे पर्पज़ गाड़ी नहीं है। सिटी सिटी में आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो मेरे को ये नहीं लगता कि ज़्यादा दिक्कत आएगी। भाई कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं खरीद सकता इतनी महंगी, कोई अगर इसको वर्थ नहीं लगती और उसके पास पेट्रोल गाड़ी है तो आराम से लगवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू।